जिसे वो अपने मदारी नहीं होता है, मदारी सपेरा, वो खेल दिखाता है, बच्चों को खुश करता है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करता है, बस वो उस तरह का काम करता है, बस वो करेगा, उसमें पैसा खर्च करेगा, लोगों को लगा नहीं अपने अहमदाबाद में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बार बार दौरे कर रहे, क्यों कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हमारी ज़मीन सड़क रही है नीचे से, तो इसके लिए वो यहाँ बार बार आ रहे हैं। लेकिन इस बार गुजरात की जनता ने मन मना लिया है कि अगर कोई सही अगर यहाँ पर हमें न्याय दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह से मैं अगर बात करूँ केवल गुजरात की, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के शासन में यहाँ पर 7 यूनिवर्सिटी बनी हुई थी गुजरात के अंदर, और उसके बाद अगर 182 GIDC की हम बात करें, अगर उद्योगों की बात करें तो 182 GIDC कांग्रेस के शासन में बनी, और यहाँ पर जो हर तहसील में अगर हम बात करें तो जो ये आरोग्य केंद्र जो बने हुए थे, एशिया की सबसे बड़ी जो अस्पताल जिसका विश्व में नाम था, ऐसी एक सिविल अस्पताल तो कांग्रेस के शासन में बनी, क्योंकि कांग्रेस का शासन यहाँ गुजरात के अंदर जब 24 साल का रहा, 1960 से लेकर 90 तक अगर हम गिनते हैं तो, उनको बीच में दूसरी सरकारें आई, तो ये सारे अगर हम आंकड़े मिला के देखें तो पिछले 27 साल से ये लोग जब शासन कर रहे हैं तो GIDC कितनी बनी, तो 1.5 GIDC कैसे, तो एक जो यहाँ बोचरा जी के पास बनी वो भी आधी है अभी, उससे पहले एक नैनो जब यहाँ पर लाए थे, जो दम कम दिखाया था पूरा और पूरे जो खर्च किया था यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का, वो भी यहाँ पर फेल हुई है GIDC। तो मेरा कहने का मतलब है जो काम किया है, रोजगार कहाँ से मिलेगा, अगर आप उद्योग यहाँ पर लाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, तो वो रोजगार तो यहाँ पर आया नहीं, वो यहाँ पर ना कोई नया उद्योग यहाँ है, जनरल मोटर जो कांग्रेस के शासन में यहाँ पर आई हुई थी। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में बहुत सारे काम जो किए, आज की बात अगर हम शिक्षा की बात करें तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा 3री कक्षा का जो पढ़ सकता है, की तारीफ बहुत कर रहे हैं, बहुत व्यापार यहाँ व्यापार बना दिया है उन्होंने शिक्षण में आ गया, देखिए आप 2-2 लाख रुपये तक की फीस देनी पड़ती है लोगों, और इसके हिसाब से कांग्रेस ने अपने UPA शासन में उन्होंने क्या किया कि RTE लाए, राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार, तो कांग्रेस का शासनकाल पसंद आया, मैं वही बात कर रहा हूँ, वो पारदर्शिता लाए कि सरकार क्या कर रही है आपके लिए, तो वो जानने का अधिकार जनता को है, नागरिक को है, तो उन्होंने RTI लाया कि आप चाहते हैं इस बार परिवर्तन, सही बात है, लोकपाल की बात करके जो उनके पापा जान जो वहाँ पर बैठे हुए थे अन्ना हजारे जी, वो आज कहीं मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं, आज कहीं बाहर नहीं आ रहे हैं, बाबा जो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था योगा की, वो तो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, तो ये सारी बातें जो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, और जिस तरह से कांग्रेस को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र, और ये इसके पीछे विदेशी ताकतों का जो हाथ था कांग्रेस को हटाने के लिए क्यों था, तो जिस तरह से 2009 में और 2010 में जो वैश्विक मंदी आई हुई थी उसके हिसाब से कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 9-10 में जो वैश्विक मंदी थी, पूरे विश्व में मल्टीनेशनल जो कंपनियां थी वो सारी छटनी कर रही थी, अपने कर्मचारी को छोड़ रही थी, उस वक्त एक ही अर्थतंत्र जो खड़ा था पूरी मजबूती से, तो वो भारत का था, और मनमोहन सिंह के शासन में कोई भी नहीं, लोकप्रियता में सबसे आगे राजीव गांधी थे, आप देखिए वो वहाँ का प्रेसिडेंट, उनको लेके छाता लेके उनको गाड़ी तक छोड़ने आता था, उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आता था, उनको रिसीव करने कौन आया, एक न्यूयॉर्क सिटी की एक छोटी सी मेयर उनको रिसीव करने आती है, ये हमारी वो देश की वो अनुमान शान तो वहाँ दिखनी चाहिए। लड़ाई में कांग्रेस कहाँ है गुजरात के अंदर, देखिए वो तो नरेंद्र भाई ने भी अभी बोल दिया, नरेंद्र भाई जब आए थे उन्होंने बोला कि कांग्रेस ठंडे कले जैसे आगे बढ़ रही है उनके, क्योंकि उनको पता है काम कर रहे हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री जब इस देश की जनता ने उनको मत दिया है पूरे देश को संभालने का, तो देश की पूरी काम भागदौड़ छोड़कर यहाँ पर गुजरात में बैठे हुए हैं, बार बार दौरे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हमारी जमीन सड़क रही है नीचे से, तो इसके लिए वो यहाँ बार बार आ रहे हैं। लेकिन इस बार गुजरात की जनता ने मन मना लिया है कि अगर कोई सही अगर यहाँ पर हमें न्याय दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, कर लिया है सबने संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प, मतलब पूरा आपने अच्छे से बता दिया कि कांग्रेस लड़ाई में और मजबूती के साथ है। सर यहाँ की राजनीति समझ लेते हैं, हमेशा से लगातार लड़ाई कांग्रेस और BJP में हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है और दावा कर रही है जीत का भी कि इस बार गुजरात में हमारे। देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी जो अपने आपको ऐसा समझते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी काम करती है, जब उनको पता चलता है उनके लिए जो IB है ना वो उनके लिए ही काम करती है, वो रिपोर्ट देती है कि आप इस बार 40 से 45 सीटों में समझ जाएंगे, तो उन्होंने ये सोचा कि एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको कैसे डाइवर्ट करा जाए, तो उन्होंने अपनी B टीम और C टीम जो है उसको उतारा है मैदान में, वरना अगर वो चाहे उनकी लोकप्रियता उतनी बनी हुई है यहाँ पे गुजरात में, तो एक बार देख ले, और मैं तो कहता हूँ EVM से भी ना करवाए, बैलेट पेपर से करवाए,
सर बीजेपी कह रही है विकास के नाम पे वोट आएगा, आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली मॉडल के नाम पर वोट आएगा, कांग्रेस क्या कहती है? देखिए बीजेपी विकास के नाम के अभी उन्होंने प्रचार भी शुरू नहीं किया है, क्योंकि लोग ले नहीं है, तो ये विकास भी लोगों ने देखा हुआ है, तो अभी ये लोग प्रजा के बीच में क्या मुंह लेके जाएंगे ये उनके लिए बड़ा प्रश्न है। तो उस बहुत काम किया है, काम पे वोट मांगे वही वोट में दिखेंगे उनको, वही दिखेंगे जो काम किया है वो दिखेगा, वरना उतना इतना भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती उनको। अगर विकास किया होता गुजरात में तो बीजेपी के सिवा कोई नहीं आ सकता। देखते हैं देखिए हर बार सीट कम होती है, फिर उनको 15-20 एमएलए खरीदने पड़ते हैं, या तो धमका के या फिर लालच देके या तो फिर कोई और तरीका लेके। अगर उन्होंने विकास किया होता, उनकी लोक चाहना इतनी होती तो फिर अपने आप ही सीटें ज्यादा आती। वो पिछली बार भी 150 प्लस बोलते थे, सीटें कम हो रही है बीजेपी की, 150 प्लस बोलते थे अमित शाह आके, 99 में समेट गई। अभी इस बार देखिए क्या होता है, इस बार क्या होने वाला है सर। लोगों को भी पता चल गया है कि पहले से बोलना नहीं है, अब तो अब अंदर जाके बटन दबाना है, लोगों को भी पता चल गया। आप जाना बटन दबा के आ जाना जी। सर कुछ पीएम मोदी यहाँ पर घूम रहे हैं, आई थिंक तीसरी बार पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं। जिसे वो अपने मदारी नहीं होता है, मदारी सपेरा, वो खेल दिखाता है, बच्चों को खुश करता है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करता है, बस वो उस तरह का काम करता है, बस वो करेगा, उसमें पैसा खर्च करेगा। लोगों को लगा नहीं अपने अहमदाबाद में बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने एक सी प्लेन बनाया, सी प्लेन का हर महीने का खर्च का आप हिसाब लगाइए, कहाँ है सी प्लेन, कहीं पे पड़ा है बंद हो गया। कहते मोदी है तो मुमकिन भी है और सुरक्षित हाथों में, मोदी है तो मुमकिन है, और वो मुमकिन जो है अडानी अंबानी के लिए मुमकिन है, अडानी अंबानी के लिए सर। हाँ, और कहाँ गए मोदी जो है उसके लिए सुरक्षित, इसलिए क्योंकि उसने सारे एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट कर दिए, तो भागने के लिए भी सुरक्षित है। लेकिन एक चीज हम जो हमेशा देखते हैं कि जनता मुद्दों को भूल जाती है, जो चुनावी वादे होते हैं वो हावी हो जाते हैं जनता पे, तो क्या जनता याद रख पाएगी? बिल्कुल, हम लोग घूमते हैं, छोटी दुकान पे भी जाते हैं या बड़े शोरूम में भी जाते हैं, तो बोलते हैं अगर चीज़ बटर पनीर उसके ऊपर जो अगर ये लोग वेट लगा सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं, तो कल जाके बोलेंगे आप सांस भी मत लो, सांस लोगे तो भी इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।